नमस्कार। इससे पहले वाले वीडियो में अपने धर्म सुधार आंदोलन का अभिप्राय, उद्देश्य, उसके कारणों के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में अपन प्रमुख जो धर्म सुधारक हुए यूरोप के अंदर, जिन्होंने कैथोलिक चर्च में फैली हुई बुराइयों कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रयास किए, उन लोगों की चर्चा अपन करेंगे। इनमें से जो पहला है वो है जॉन वाइक्लिफ। इंग्लैंड में चर्च की बुराइयों को दूर करने के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया और जॉन वाइक्लिफ ने कहा है कि पोप पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है, पादरी भ्रष्ट तथा बुद्धिविहीन है, उनके द्वारा दिए जाने वाले धार्मिक उपदेश विवेक रहित तथा निरर्थक हैं। उसने बाइबल का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। इसका इतना विरोध हुआ कि 1384 ईस्वी में जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसकी लाश को कब्र से निकलवा कर फेंक दिया गया। इसके जो अनुयायी हैं वो लोलार्ड के नाम से जाने जाते हैं। जॉन वाइक्लिफ को द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा गया है। दूसरा जो है वो है जॉन हंस। ये बोमिया के निवासी थे, पोप और चर्च का विरोध किया, इनको जिंदा जलवा दिया गया। सेवानरोला इटली के फ्लोरेंस नगर का रहने वाला था, चर्च के और पोप के पाखंड और आडंबरों की आलोचना की, इन्हें भी धर्मद्रोही घोषित कर दिया और 23 मई 1488 को जिंदा जलवा दिया गया। इस तरह से दो जो धर्म सुधारक थे, जॉन हंस और सेवानरोला, इन दोनों को जिंदा जलवा दिया गया और जॉन वाइक्लिफ की लाश को कब्र से निकलवा कर बाहर फेंकवा दिया गया। इरेस्मस हॉलैंड का निवासी था, 1511 में इसने किताब लिखी, द प्रेज ऑफ होली, मूर्खता की प्रशंसा। इसमें उसने पादरियों की अज्ञानता और पाखंड का उपहास उड़ाया। इस पुस्तक के लिए कहा जाता है कि इरेस्मस के उपहासों ने पोप को जितनी हानि पहुँचाई उतना लूथर के क्रोध ने भी नहीं पहुँचाई। फिर आता है ज्यूंगली। स्विट्जरलैंड में धर्म प्रचार में योगदान दिया। ज्यूरिक की धर्म सभा में इसने 66 अपने बिंदु रखे वाद विवाद के दौरान, और इसने कहा कि बाइबल ही ईसाई धर्म की सर्वोच्च सत्ता है, बाइबल में सब कुछ है। चर्च के जो व्याप्त रूढ़ियाँ थी, कुरीतियाँ थी, उसका घोर विद्रोह किया। इसने सुधारवादी चर्च की स्थापना की, पादरियों के अविवाहित जीवन का विरोध किया और स्वयं इसने विवाह कर लिया। फिर आता है काल्विन। काल्विन फ्रांस का रहने वाला था, फ्रांस में जब इसका विरोध हुआ तो इसने फ्रांस छोड़कर स्विट्जरलैंड आ गया और यहाँ पर ज्यूंगली के संपर्क में रहा। काल्विन ने एक पुस्तक लिखी, इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन, जिसमें इसने बताया कि प्रभु यीशु तथा बाइबल ही मोक्ष प्राप्त करने का माध्यम है। इसी कारण इसे प्रोटेस्टेंट पोप भी कहा जाता है। धीरे धीरे काल्विनवाद पूरे यूरोप के अंदर फैल गया। जो प्रमुख धर्म सुधारक है वो हैं मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर का जन्म जर्मनी में हुआ 1483 ईस्वी में और 1546 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ये अपनी शिक्षा के बाद 1508 ईस्वी में विटनबर्ग विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बन गए, प्रोफेसर बन गए। 1511 ईस्वी में रोम गए और रोम जाकर इन्होंने नज़दीक से पोप के अनैतिक और विलासितापूर्ण जीवन को देखा। 1517 ईस्वी में जब टेटेजले नामक पादरी पाप मोचन पत्र बेचने के लिए विटनबर्ग पहुँचा तो इन्होंने इसका विरोध किया और इसे धर्म के खिलाफ बताया। पापमोचन पत्रों के लिए ये था कि कोई भी व्यक्ति धन देकर पापमोचन पत्र खरीद लेता था और उससे उसे उसके जो भी उसने पाप किए हैं उन पापों से मुक्ति मिल जाती थी। इनका मार्टिन लूथर ने कड़ा विरोध किया और विटनबर्ग के कैसल चर्च के द्वार पर पापमोचन पत्रों के विरोध में 95 बिंदुओं को लिखकर लगा दिया। उसने अपने मत के प्रतिपादन के लिए 3 पुस्तिकाएं लिखी,
पहली थी द फ्रीडम ऑफ क्रिश्चियन मैन, दूसरी थी द कैप्टिविटी ऑफ द चर्च, तीसरी थी एन एड्रेस टू द नोबिलिटी ऑफ जर्मन नेशन। इसके अंदर इसने जो ईसाई व्यक्ति थे, जो चर्च था और जो जर्मन देश था, उसको ईसाई धर्म, पोप और चर्च से मुक्ति के लिए बातें लिखी। मार्टिन लूथर ने जो कार्य किए कैथोलिक धर्म के खिलाफ, इसके ऊपर पोप लियो दसम ने कार्रवाई करते हुए नाराज़ होते हुए 1521 ईस्वी में इसे ईसाई धर्म से बहिष्कृत कर दिया। मार्टिन लूथर की विचारधारा लोकप्रिय होने लगी, उसके अनुयायी बढ़ते गए और इस कारण मार्टिन लूथर से समझौता करना पड़ा और 1529 ईस्वी में पवित्र रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम ने स्पीयर नामक स्थान पर एक धर्म सभा बुलाई और इसमें मार्टिन लूथर के समर्थकों को प्रोटेस्टेंट घोषित कर दिया गया, यानी ये कैथोलिक धर्म का प्रोटेस्ट करते थे, विरोध करते थे, इसलिए इनके मत को प्रोटेस्टेंट के नाम से मान्यता मिल गई और 1546 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। मार्टिन लूथर ने ईसाई धर्म के जितने भी आडंबर थे, बुराइयां थी, उनका विरोध किया, पादरियों का विरोध किया, पादरियों के अविवाहित रहने का विरोध किया, पादरियों के भ्रष्टाचार का विरोध किया और उन्होंने अलग अलग भाषाओं के अंदर बाइबल के प्रकाशन की बात की जिससे हर व्यक्ति बाइबल को पढ़ सके और जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए पोप और ईश्वर के बीच में मध्यस्थता को इनकार किया और इन्होंने कहा कि बाइबल पढ़ने से मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। मार्टिन लूथर का एक प्रसिद्ध कथन है, अंतिम दिन केवल उन्हीं आत्माओं को शांति मिलेगी जो पूर्णतः पवित्र जीवन जीते हैं। इस तरह से धर्म सुधार आंदोलन के ये प्रमुख धर्म सुधारक थे जिन्होंने यूरोप के अंदर धर्म सुधार आंदोलन को बल प्रदान किया और धर्म सुधार आंदोलन को चलाया। धन्यवाद।